पंजाबी ज़बान इतनी मीठी ज़ुबान है, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि जहाँ दुनिया भर में सब लोग अपनी अपनी ज़बान, अपनी इलाकाई ज़बान बोलने के लिए बहुत बेताब भी होते हैं, उसमें फ़ख्र भी महसूस करते हैं, और पंजाब में भी अच्छी बात है कि सिंधी अपनी ज़बान बोलते हैं और सिंधी ज़बान बोलते हैं उसमें फ़ख्र महसूस करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोग पश्तो बोलते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं। बलूचिस्तान की जो ज़ुबानें हैं वो बोलते हैं, फ़ख्र करते हैं, लेकिन पंजाबी जब पंजाबी ज़बान बोलता है तो फ़ख्र से नहीं बोलता, बल्कि बच्चों को या उर्दू सिखाते हैं या अंग्रेज़ी सिखाते हैं, और हम सब यही करते हैं। मैं अपने आप को बीच में शामिल करके कह रही हूँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। पंजाबी ज़बान इतनी मीठी ज़बान है, पंजाबी ज़बान की शायरी आप उठा के देख लें, जो शायरी पंजाबी की, वो मज़ा आता है पढ़ने का या सुनने का, वो किसी और शायद ज़बान में वो उतनी, वो इस तरह समेट नहीं सकती इमोशंस को, जज्बात को। तो ये भी हमें फ़ख्र होना चाहिए, और मैं आज माँ बाप से भी ये बात कहूँगी कि इस पंजाब से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आप इसमें फ़ख्र महसूस करें, अपने बच्चों को पंजाबी सिखाएं, अंग्रेज़ी सिखाएं, बिल्कुल सिखाएं, क्योंकि दुनिया से हमने मुकाबला करना है। उर्दू भी सिखाएं, हमारी कौमी ज़बान है, सबको बोलनी चाहिए, लेकिन पंजाब की पंजाबी ज़ुबान बच्चों को सिखाएं, उनको उससे एलियन ना बनाएं। और हमारे जो बॉर्डर पार पंजाब से हमारे सिख भाई बहनें आए हैं, मैं इनको भी देखती हूँ दुनिया में जहाँ भी हो, मैं इनको अक्सर दूसरे मुल्कों में भी देखती हूँ, बड़े फ़ख्र से पंजाबी बोलते हैं, इनके बच्चे भी पंजाबी बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे भी इस तरह पंजाबी ज़बान को अपनाएं, हमारे भी पंजाबी बहन भाई अपनी पंजाबी ज़बान को अपनाएं और उसको फ़ख्र से बोलें, क्योंकि पंजाबी ज़बान सिर्फ एक ज़बान नहीं है। जब आप अपनी ज़बान से दूर होते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने रूट से, अपनी जड़ों से, अपनी कल्चर से दूर होते हैं। और दूसरों का, वो कहते हैं ना, कौवा चला दूसरी चाल, हंस की चाल अपनी भी भूल गया, तो इसी तरह आजकल कुछ देखने में आ रहा है।